हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 19 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स लिटरेचर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। तो आज का जो पहला आर्टिकल हमारा है वो है उन्ती प्रोग्राम के बारे में। तो क्या है उन्ती प्रोग्राम, ये हम देखते हैं। देखो, अभी आपको बताऊं कि यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस होती है किसको लेके, पीस और आउटर स्पेस को लेके, मतलब पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस को लेके यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस वो होती हैं। तो ऐसा प्रोग्राम 50 साल चल रहा है, मतलब 50वीं एनिवर्सरी हुई है अभी किसकी, यूनी स्पेस की, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। मतलब जो आउटर स्पेस हो गया, ब्रह्मांड हुआ, हमारी अर्थ के बाहर का जो स्पेस हो गया, उसका यूज वो पीसफुल तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि उसको हम न्यूक्लियर बम वगैरह लगा के अपना अपना अधिकार वहाँ पे करें, मतलब शांति के लिए उसका यूज करना है। इसको लेके कॉन्फ्रेंस वो आयोजित होती हैं। तो अभी उसकी 50वीं कॉन्फ्रेंस या 50वीं वर्षगांठ है वो हुई है, और उसी मौके पर इंडिया ने उन्ती प्रोग्राम है वो रिलीज़ किया है। तो उन्ती प्रोग्राम है वो इंडिया की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा स्टार्ट है। वो क्या जा रहा है, मतलब नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो है, उसके द्वारा उन्ती प्रोग्राम को यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। उन्ती का मतलब यहाँ पे है यूनी स्पेस नैनो सेटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाई इसरो। तो देखो, फुल फॉर्म से तो हमें समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि कुछ नैनो सेटेलाइट की असेंबलिंग और इसके साथ जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी इसरो के द्वारा। तो यह एक्चुअली इसरो का एक सेंटर है बेंगलुरु में, जिसका नाम है यू आर राव सेटेलाइट सेंटर। इसके द्वारा ये ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएंगे। तो थोड़ा और देखते हैं क्या। देखो, उन्ती प्रोग्राम में इसरो क्या करेगा कि हमारे देश में सेटेलाइट बिल्डिंग की जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में अवेयर करवाया जाएगा, जो भी इस रिसर्च से वगैरह बिलोंग करते हैं, या इसी के साथ ही किस तरीके से जो सेटेलाइट उसको असेंबल करना होता है, किस तरीके से उसको इंटीग्रेट करना होता है, किस तरीके से उसकी टेस्टिंग वगैरह करनी होती है, और जो मॉड्यूलर नैनो सेटेलाइट होते हैं उन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, किसी को सेटेलाइट बनाना है, मान लो किसी इंस्टीट्यूट वगैरह को, तो उसको कैसे क्या बनाना होगा, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किस किन पैरामीटर्स का हमें यूज़ करना, तो वो सारी चीज़ें हैं, या किस तरीके से उसको असेंबल करना है, वो सब इस उन्ती प्रोग्राम के तहत है, वो इसरो एक तरीके से प्रोवाइड है, वो करवाएगा। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो उन्ती है वो एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है नैनो सेटेलाइट डेवलपमेंट के एरिया में। तो ये थी कंप्लीट न्यूज़। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है एसए रिपोर्ट के बारे में। देखो, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है वो एक एनजीओ है प्रथम, एनजीओ प्रथम के द्वारा रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है। तो सबसे पहला फैक्ट हमें ये ध्यान रखनी है कि ऐसे रिपोर्ट है वो एक इंडिया का एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या नॉट प्रॉफिट है, जिसका नाम है प्रथम। तो एनजीओ प्रथम के द्वारा ये रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है, ये फैक्ट तो होगा इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो जो ये रिपोर्ट है इसमें क्या किन चीज़ों का फोकस किया जाता है। यह रिपोर्ट पब्लिश की जाती है एजुकेशन सेक्टर से, नाम से पता चल रहा है एजुकेशन की रिपोर्ट है। और देखो, इस रिपोर्ट में 596 डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया के, उनको काउंट किया गया है। इसी के साथ ही लगभग 546,527 स्टूडेंट्स हैं, उनसे यहाँ पर सर्वे वगैरह किया गया है। और हम बात करें 354,944 घर हैं वहाँ पर भी इनका सर्वे वगैरह किया गया है। तो देखो, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने स्टेट में कितने सर्वे वगैरह कहाँ कहाँ किया गया है, यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि ऐसे रिपोर्ट है वो एक एनजीओ है प्रथम नाम का, उसके द्वारा पब्लिश की जाती है एनुअली। अब इस रिपोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देखते हैं। देखो, इस रिपोर्ट में, इस सर्वे में ये चीज़ सामने आई है कि भारत की स्कूल में जो स्टूडेंट हैं उनके में एक जो लर्निंग कैपेसिटी है, जो लर्निंग की क्षमता है ना, वो काफ़ी कम है। मतलब उनको लर्निंग की जो उनका आउटकम है वो काफ़ी कम आ रहा है। इसके साथ ही जो उनकी बेसिक और जो बुनियादी पढ़ने की जो अर्थमेटिक स्किल होगी है वो भी कहीं ना कहीं कम है, वो देखने को हमें मिल रही है। फिर देखो, इसमें एक थोड़ा सर्वे का एक डाटा भी दिया गया है जिसको हम कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में यूज है वो कर सकते हैं। एलिमेंट्री स्कूल का मतलब होता है पहली से लेके आठवीं क्लास तक की जो एजुकेशन होती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूलिंग। तो उसका डाटा दिया गया है कि देखो, एलिमेंट्री स्कूलिंग का डाटा यह है कि उनमें लर्निंग है वो अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, मतलब लर्निंग आउटकम अच्छे से नहीं आ रहे हैं। एक डाटा ये कह रहा है कि बच्चा पांचवी क्लास में हो रहा है और उसको सेकंड क्लास की बुक है वो भी पढ़नी नहीं आ रहा है। तो ऐसा डाटा सामने है कि लगभग ऐसे बच्चे हैं स्कूलों में जो 50% बच्चे ऐसे हैं पांचवी क्लास में जिनको सेकंड क्लास की बुक भी नहीं पढ़ने को आ रही है। तो ऐसे देखो, ये डाटा है ना, इनका हम आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, बाकी तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इस आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है वो एक इंडिया का एनजीओ है प्रथम नाम का, उसके द्वारा पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 के बारे में। देखो, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 से यह पब्लिश की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ पे यही है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की जाती है।
अब यहाँ पे देखते हैं कि है क्या इस रिपोर्ट में। देखो इस रिपोर्ट में जो हर साल या साल दर साल हैं, जो भी इन्वायरमेंट में बोल सकते हो या फिर जो भी तरीके परिवर्तन आ रहे हैं हमारी लाइफ स्टाइल में हर चीज़ में, तो उसकी वजह से जो वैश्विक विनाशकारी जोखिम है या जो रिस्क बढ़ते जा रहे हैं उनकी यह रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। यहाँ पर यह फैक्ट ध्यान रखना है, केवल इन्वायरमेंटल डिजास्टर की बात नहीं कर रहे कि इन्वायरमेंट से संबंधित जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये सारे एरिया को या सारे डिजास्टर्स को यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है। तो उनको देखेंगे हम अभी कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है इसमें किन किन चीज़ों का है, किन किन पैरामीटर्स का यहां पे यूज किया जाता है। और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का मेन मोटो ये है कि जो ग्लोबल लेवल है उसके अंदर एक ऐसा माहौल या एक हम बोल रहे हैं इस तरीके की अप्रोच है, एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को तैयार किया जा सके, ताकि जब भी अगर कहीं ना कहीं जोखिम है, रिस्क आता हो, फ्यूचर में कोई ऐसी दुर्घटना होती हो तो उससे निपटने में सक्षम हो। अब हम देखते हैं, देखो इसमें 10 पैरामीटर हैं ऐसे जिनको यहाँ पे रिस्क में काउंट किया जाता है। जैसे एक तो हो गया एक्सट्रीम वेदर इवेंट, मतलब मौसम वो काफ़ी ज़्यादा ही खराब हो रहा है। एक हो गया यहाँ पे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात की जा रही है। इसके साथ ही हो गया मेजर नेशनल डिजास्टर हो गया। इसके साथ ही हो गया मासिव इंसेंट ऑफ डाटा फ्रॉड या थीप, मतलब डाटा चोरी वगैरह हो गया, जो साइबर क्राइम होते हैं वो भी। तो एक तरीके से यह चीज़ ध्यान रखनी है, केवल क्लाइमेट वगैरह का सीन नहीं है, डिजास्टर रिस्क किसी भी टाइप का हो सकता है, मतलब जोखिम जो भी हो सकते हैं विश्व में, चाहे डाटा चोरी हो रहे हो या फिर कोई साइबर अटैक हो रहा हो या फिर कोई इलीगल माइग्रेशन वगैरह हो रहा हो या फिर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा हो या फिर वाटर क्राइसिस हो रहे हो या फिर किसी तरीके से इकोनॉमी के अंदर एक बबल है, एक स्पेस है वो क्रिएट हो रहा हो, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे जो जोखिम्स हैं उनके लिए ये रिपोर्ट है या ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है, ये सारे के सारे आपको रटने नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि किस किस से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो यह है कि जो वर्ल्ड के टॉप हाईएस्ट माउंटेन है हर कॉन्टिनेंट के, हर महाद्वीप के, उनके भी एक इंडिया के पर्सन थे जिनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत, जो कि वर्ल्ड के पहले ऐसे पर्सन बने हैं सबसे कम एज के जिन्होंने वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है उनको फतेह किया है। तो उन्होंने एक अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो कि हमें ध्यान में रखना है कि सत्यरूप सिद्धांत जो कि एक माउंटेन ट्रेकर हैं उनके द्वारा रिकॉर्ड कायम किया गया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि वर्ल्ड के जो टॉप हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन कौन से हैं। तो देखो हम देखते हैं हर कॉन्टिनेंट के हिसाब से, तो जो एशिया का सबसे बड़ा है वो आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल के अंदर है। इसके बाद में हम बात करें अर्जेंटीना कहाँ पे, आपको पता है साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी है वो है माउंटेन एकांगुआ, जो कि अर्जेंटीना में आती है। इसके बाद में नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है वो आती है यूएसए में, जिसका नाम है माउंट मैंकेले, उसकी यहाँ पे हाइट भी दी गई है या इसका माउंट डेनली भी नाम है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि माउंट डेनाली या माउंट मैंकेले है वो यूएसए या हम बोल सकते हैं कि सॉरी नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। इसके बाद में अफ्रीका के सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है वो है माउंटेन किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में आती है। इसके साथ ही हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है इलब्रुस, जो कि जो यूरोप के अंदर जो रशिया का हिस्सा आता है उसके अंदर है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जो इलब्रुस है यूरोप की हाईएस्ट पीक वो रशिया के अंदर है, क्योंकि आपको पता है कि रशिया है उसका कुछ हिस्सा यूरोप में और कुछ हिस्सा एशिया में, तो जो हिस्सा यूरोप में ना उस हिस्से में इलब्रुस माउंटेन है। फिर देखो फ्रांस का दिया गया है ब्लैंक, तो ये तो कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये वर्ल्ड के टॉप में नहीं काउंट हो रहा है। अंटार्कटिका में है, उसका नाम ध्यान रखना है विस्टर्न मासिफ। इसके बाद में हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में है माउंट कोकोस्का, तो यह ध्यान में रखना है माउंट कोकोस्का है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो एक जो इंपॉर्टेंट पीक होगी साथ, ये हमें अच्छे से याद है वो रखनी है कौन कौन सी कहाँ पे और कौन कौन सी कंट्री में स्थित है। तो ये एक छोटा सा फैक्ट था जो ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का मतलब होता है बाह्य वाणिज्यिक ऋण। तो देखो है क्या टर्म, इकोनॉमी का टर्म है, इसे हम समझते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये मान लो कि इंडिया की एक कंपनी है, एग्जांपल लेते हैं, चलो एयरटेल का एग्जांपल लेते हैं कि एयरटेल एक इंडिया की कंपनी है, उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उसको पैसे की जरूरत है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है। एक तो उसके पास एक ऑप्शन तो यह है कि इंडिया के जो बैंक वगैरह वहाँ से वो लोन ले सकती है। एक ऑप्शन उसके पास ये है कि बाहर से कोई दूसरे, मतलब दूसरी कंट्री के किसी बैंक वगैरह किसी संस्था से लोन वो ले सकती है। अब देखो इंडिया की अगर संस्था से या इंडिया के बैंक वगैरह से कहीं से लोन ले रही है, हो सकता है उसको महंगा मिल रहा हो, तो वो ये कर सकती है कि बाहर की किसी जो बाहरी विदेशी कंट्री है उसके किसी संस्था वगैरह से लोन है वो ले सकती है। तो वो होगा यहाँ पे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, मतलब बाहर की कंट्री या बाहर से इंडिया के या स्टेट इंडिया के बाहर जो कॉमर्शियल ऋण वगैरह या लोन वगैरह लिया जाता है वो आता है इसमें एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। कंटेक्स्ट ये है कि अभी आरबीआई है उसने थोड़े नॉर्म्स इजी कर दिए हैं कि भाई बाहर से भी कंपनी है वो लोन वगैरह ले सकती हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, इंडिया में बिजनेस बढ़ेगा, इसके साथ ही इंडिया में नई नई इंडस्ट्री वगैरह लगेंगी, तो नए नए लोगों को रोजगार वगैरह भी मिलेगा, तो एक तरीके से इंडिया में एफडी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि देखो बाहर से पैसा इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है, इसका मतलब एक तरीके से एफडीआई तो हुई ना। तो ये होती है यहाँ पे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, तो इसलिए नॉर्म्स वगैरह चेंज किए गए हैं।
एक इसमें अभी मोटा चेंज सबसे वो ये किया गया है कि पहले ये प्रावधान किया गया था कि जो ऑटोमेटिक रूप से जो एफडीआई होती थी, या फिर हम बात करें ऑटोमेटिक रूप से जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग होती थी, उसमें लिमिट लगाई गई थी हर सेक्टर के लिए अलग अलग। जैसे किसी सेक्टर के लिए मैक्सिमम ये था 500 मिलियन, किसी के लिए 100 मिलियन, इस तरीके से अलग अलग थे। और अभी ये कर दिया गया है कि भाई आप ऑटोमेटिक रूप से 750 मिलियन डॉलर तक की रकम है या लोन है वो बाहर से ले सकते हो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के तहत। तो ये एक फैक्ट्री में चेंज किया गया है। इसके साथ ही इसमें ये चेंजेस किए गए हैं कि जो मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड होता था पहले, जो भी लोन वगैरह लिया है बाहर से, वो होता था कई जगह 6 साल का होता था, किसी जगह 7 साल का होता था। तो उसमें अभी प्रावधान ये कर दिया गया है कि भाई जो बाहर से जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग ली जा रही है वो हम कम से कम 3 साल में चुका सकते हैं, मतलब 3 साल का टाइम लिमिट दिया गया, पहले वो 6 साल होता था कम से कम। तो इसमें मेजर चेंजेस किए गए हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है वो होती क्या है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 के बारे में। देखो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 है, यह एक टाइम्स हायर एजुकेशन है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो यह ध्यान रखना है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। और इसमें क्या फैक्ट है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। इस देखो रैंकिंग के अंदर इंडिया के 43 इंस्टीट्यूट हैं, वो सॉरी इंडिया के 49 इंस्टीट्यूट हैं, उनको शामिल किया गया है। टोटल 450 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी है रैंकिंग जारी की गई है 43 कंट्रीज़ में से, और इंडिया के इसमें 49 इंस्टीट्यूट हैं, उनको शामिल किया गया है। और इंडिया का जो हम बात करें इंस्टीट्यूट है, IISc बेंगलोर है, उसको 14वां स्थान मिला है, IIT बॉम्बे को 27वां और IIT रुड़की को 35वां। तो ये कुछ फैक्ट हमें ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है। टॉप 10 में इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं की गई है। तो ये एक अपने आप में एक फैक्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब हम चलते हैं आज के कुछ क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है वो है गांधी पीस प्राइज़ को लेके। आप पहले स्टेटमेंट दिया गया है कि गांधी पीस प्राइज़ है, इसे ग्रीन पीस द्वारा स्थापित किया गया सॉरी। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि गांधी पीस प्राइज़ है उसको मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। तो अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रकाश सिंह के मामले की। प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देशन है, जो गाइडलाइन थी, उनके संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि प्रकाश ये निर्देश हैं वो पुलिस सुधार से या पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड थे। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसने सरकारों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिया कि वो परिचालन जो कर्तव्य हैं इनकी पुलिस अधिकारियों को कम से कम 2 साल का कार्यकाल सिक्योर प्रोवाइड करवाएं। देखो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा डीपली। देखो जो प्रकाश सिंह कमेटी भी आई थी, इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसमें 7 मेजर रिफॉर्म आए थे हमारे देश में जो पुलिस प्रशासन है इसमें रिफॉर्म लाने के लिए। और उसमें एक चेंजेस ये बात करने की गई थी कि जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं पुलिस वगैरह में, उनकी जो एक तरीके से जो भी उनकी ज्वाइनिंग है, जो उनका कार्यकाल है, वो 2 साल तक एटलीस्ट फिक्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जब भी पॉलिटिकल पार्टियां बदलती हैं तो वो तुरंत उनका ट्रांसफर कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि इनका कहीं ना कहीं सिस्टम वो बिगड़ जाता है और ये सही ढंग से काम नहीं कर पाते। मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टियों का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। तो उसी को रोकने के लिए इसमें गाइडलाइंस में ये बात कही गई थी कि भाई कम से कम 2 साल तक जो ऑफिसर्स हैं उनका कार्यकाल फिक्स होना चाहिए कि उनको कोई फिर हटा ना पाए, मतलब एक तरह से पॉलिटिकल हस्तक्षेप कम हो सके, इसके लिए प्रावधान किया गया था। तो देखो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो ये कमेटी हम जब भी कहीं ना कहीं हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म को लेकर यूपीएससी में क्वेश्चन वगैरह आ रहा है कहीं भी, तो हम इसके 7 सजेशन है, उन 7 पॉइंट्स का हम यूज है वो कर सकते हैं। तो देखो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।